2023 का तीसरा महीना बीत चुका है। हालांकि साल की शुरुआत से देश और दुनिया में राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में कुछ न कुछ हलचल मची हुई है, चाहे नेपाल विमान हादसा हो या तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार। वहीं इन अनगिनत घटनाओं के इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर भी खबरों के रूप में जानकारियां शेयर की जा रही है, और ऐसे में शेयर बटन पर क्लिक करने की होड़ में ऑनलाइन मौजूद सूचनाओं को लोग बिना वेरीफाई किए आगे पहुंचा देते हैं। इसलिए ऑल्ट न्यूज इस वीडियो में मार्च महीने में शेयर की गई कुछ चुनिंदा गलत जानकारियों की सच्चाई आपको बताएगा। फरवरी 2023 में तमिलनाडु में एक व्यक्ति हिंदी भाषी मजदूरों को शाब्दिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हुए दिखा था। इस घटना का वीडियो ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद तरह तरह के वीडियोस सामने आए। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे ही 5 वीडियोस का वेरिफिकेशन किया और पाया कि ये तमिलनाडु में उस वक्त हिंदी भाषी मजदूरों पर किए गए कथित हमलों से जुड़े हुए नहीं है। वहीं तमिलनाडु की स्थिति पर मीडिया ने भी जमकर रिपोर्टिंग की। कथित हमले की खबर देते हुए दैनिक भास्कर ने दावा किया कि बिहार के पवन यादव और मोनू दास को तमिलनाडु के लोगों ने मार दिया। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत और TV9 भारतवर्ष ने भी यही दावा अपनी रिपोर्ट्स में चलाया। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि पवन यादव की हत्या एक आपसी विवाद के कारण हुई थी, वहीं मोनू दास ने आत्महत्या की थी। वहीं फिर से दैनिक भास्कर ने ये वीडियो तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले से जोड़कर शेयर किया, जबकि ये वीडियो असल में कर्नाटका में एक टूर्नामेंट के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प का था, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दैनिक जागरण हिंदुस्तान ने बिहार के शंभू मुखिया नाम के एक लड़के की आत्महत्या की घटना को तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का बताकर चलाया। मार्च महीने की शुरुआत में ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की गई और कहा गया कि मुंबई में नाई जिहाद की घटना सामने आई है, और दावा किया गया कि ये मुस्लिम नाई हिंदुओं के लिए एड्स वाली ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया और इस काम के लिए इसे पैसे दिए जाने की बात भी सामने आई। ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए पाया कि साल 2013 में मुंबई में पुलिस ने क्रेडिट कार्ड चोरी के आरोप में भोजपुरी अभिनेता इरफान खान को गिरफ्तार किया था, और ये उसी कवरेज का स्क्रीन ग्रैब है। जांच में जुटी पुलिस ने CCTV तस्वीरें खंगाली, इरफान बेनकाब हो गया। पुलिस के मुताबिक संजय यादव इरफान की गुनाह में मददगार था। शक है कि आरोपी बिलबुक का इस्तेमाल चोरी के गहनों की रसीद बनाकर उसे बेचने में करते होंगे। आरोपी एक्टर इरफान खान की गिरफ्तारी बिहार के छपरा से हुई। महीने की शुरुआत में ही तमिलनाडु के भाजपा नेताओं की ये तस्वीर काफी शेयर की गई और कहा गया कि ये नेता बियर पीते और नॉनवेज खाना खाते हुए दिखे, जबकि असली तस्वीर में खाने के टेबल पर पानी की बोतलें हैं। अब अगर एडिटेड तस्वीरों की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस वायरल लेटर पर गौर करें। इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नारायण हॉस्पिटल्स के संस्थापक और फिजिशियन देवी शेट्टी ने हेल्थ केयर पर 5% सर्विस टैक्स के विरोध में सरकार को ये लेटर लिखा। इसे कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है, लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश की तो पाया कि ये खत उन्होंने साल 2011 में लिखा था, जब UPA सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सर्विस टैक्स का प्रस्ताव दिया था और देवी शेट्टी ने उसे मिजरी टैक्स के रूप में लेबल किया था। इसके अलावा ये वीडियो ट्वीट करते हुए यूजर्स ने दावा किया कि मेरठ में दिलशाद नाम का लड़का हिंदू लड़की निशा को बार बार उठा लेने और तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा था। लड़की ने ये बात अपने भाइयों को बताई, जिसके बाद निशा के भाइयों ने दिलशाद की जमकर पिटाई की। हालांकि जब हमने इस वीडियो की छानबीन की तो पाया कि पिछले साल भोपाल में कुछ स्टूडेंट्स ने एक लड़के की पिटाई की थी। भोपाल पुलिस ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस मामले में पीड़ित और आरोपी सभी हिंदू हैं और इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ऐसे ही गाय के साथ असभ्य हरकत कर रहे इस लड़के का वीडियो ये कहते हुए शेयर किया गया कि ये लड़का मुस्लिम है। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में नशे में धुत एक नाबालिग लड़के ने बछड़े के साथ ये हरकत की थी। हालांकि पुलिस ने बातचीत के दौरान बताया कि CCTV में दिख रहा ये लड़का हिंदू समुदाय से है। फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन भारत आए थे। इस संदर्भ में ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि सुंदरेश मेनन ने भारतीय न्यायपालिका के हाईजेक होने की बात कही और इसे हिंदू राष्ट्र के निर्माण का एक चरण बताया। So the idea behind here is
to hijack the judiciary and establish a Hindu theocracy. And I certainly do not want a voice personally, purely personally as a student of law, I do not want. जबकि असल में वीडियो में ये बातें एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रसिद्ध कानूनी शिक्षाविद डॉक्टर मोहन गोपाल ने कही थी। तुर्की में भूकंप के बाद भी गलत जानकारियां शेयर की गई। ये वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि खराब इमारत बनाने वाले ठेकेदारों को तुर्की सैनिक मौत के घाट उतार रहे हैं, क्योंकि हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में इन इमारतों में दबकर हजारों लोगों की जान चली गई। वेरीफाई करते हुए हमने पाया कि ये वीडियो 2013 में सीरिया में हुए नरसंहार का है। ऐसे ही इस महीने कई मीडिया आउटलेट्स ने खबर चलाई कि नोबेल कमेटी के सदस्य एस्ले टोहे ने पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया, जबकि इन खबरों को एस्ले टोहे ने खुद फर्जी बताया है। That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. Alt News ने मार्च में दो डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग विंग विश्वास न्यूज द्वारा IFCN की आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात बताई गई है। हमने इन रिपोर्ट्स में सबूतों के आधार पर बताया कि कैसे विश्वास न्यूज दैनिक जागरण द्वारा किए गए गलत दावों का जिक्र अपने फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में नहीं करता। साथ ही हमने BJP से निष्कासित टी राजा सिंह के भड़काऊ भाषणों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया। हमने देखा कि वो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करते हैं और उनके खिलाफ भड़काऊ हिंसा की वजह से कई FIR दर्ज है। इस महीने शेयर की गई गलत जानकारियों का फैक्ट चेक हमने आपको इस वीडियो रिपोर्ट में संक्षिप्त में बताया। वहीं डिटेल्स में हमारे फैक्ट चेक आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट altnews.in और altnews.in/hindi पर जा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारे मोबाइल ऐप के जरिए आप हमारे फैक्ट चेक से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही किसी खबर की सच्चाई जानने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।